मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए समाज को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के उद्देश्य से जिले में मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी स्वयं सेवकों ने खुद को बड़ी उत्साह से कोरोना वॉलंटियर के तौर पर पंजीकृत कराया। इसके साथ ही उन्होंने समर्पित भाव से अपना कार्य भी प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नेतृत्व में कोरोना वॉलंटियर श्री विनय सिंह बेंटू एवं विकास कुमार के माध्यम से ग्राम सुखदास में मास्क वितरण किया गया एवं महामारी से बचाव के सभी गाइडलाइनों के बारे में लोगों को बताया गया। महामारी से बचाव के लिए आपकी टीम क्या कर रही है? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला उमरिया के द्वारा गांव-गांव, नगर-नगर कोरोना वॉलंटियर टीम गठित है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलता ही होगा कि जगह जगह वॉलंटियर के द्वारा मास्क वितरण, सैनिटाइजर और जो लोग कोरोना वायरस की जो प्रोटोकॉल है उसको पालन नहीं करते उनको टोकना जैसे पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम भी अपने गांव में चौराहे में मोहल्ले में जाकर मास्क वितरण जैसे कार्य कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए समझाया जा रहा है कि दिन में हाथों को 4 बार साबुन से धोएं और ज़्यादा बाहर न निकलें। विशेष आवश्यकता में हमको बाहर निकलना है घर से। अगर हम इस चीज़ का परहेज करेंगे तो निश्चित है कि इस महामारी से निजात हम सब और देशवासियों को मिलेगी। अगर इस गाइडलाइन सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो जैसे अन्य शहरों में हो रहा है कि जैसे आपको वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है वही हालत हो जाएगी। तो हम लोग यानी हमारी सारी टीम पूरी तरह लगी हुई है दिनों रात कि हमारे क्षेत्र में महामारी जैसे स्थिति और भी वायरस न बढ़े इसके लिए सतत प्रयास सब लोग हम कर रहे हैं और जगह जगह जो गाइडलाइन है सरकार की उसको लिखकर बताकर सोशल मीडिया के माध्यम से वो किया जा रहा है और निश्चित है समाज भी कहीं ना कहीं इसका सहयोग दे रहा है और आगे भी देगा। तो हम लगे हैं और निश्चित ही इस महामारी से हम जंग जीतेंगे।